Good morning, namaste, jai hind. Welcome back. So guys, hope you enjoyed the discussion related to the state government. And now as the next, we are going to start our discussion about the state government. Guys, as we are having the parliamentary system of governance in the center, the same system we are having in the state also. यानी हमारे यहाँ पे हमने सेंटर में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया उसका सेम स्ट्रक्चर हमने स्टेट्स में भी अडॉप्ट किया. यानी हमारी हमारे यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस का सेम स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. इज दैट क्लियर? एंड हियर इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर डिस्कशन अबाउट दैट स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. ओके, यानी हमारा आज का टॉपिक जो होगा दैट इज रिलेटेड विद द स्टेट गवर्नमेंट. ओके, so guys, if we talk about the state government, Rajya Sarkar, then we are having the same structure. Okay, in the states also as we are having in the center, or a structure mein state government ka jo formation hai usme three major parts include hote hain. Okay, as we have discussed in the सेंट्रल गवर्नमेंट द सेम वी आर हैविंग इन द स्टेट ओल्स. कैसे? चलिए पर द फर्स्ट वन दैट इज द लेजिस्लेचर. सबसे पहला पॉइंट है लेजिस्लेचर का. द नेक्स्ट वन इज द एग्जेक्टिव. ओके, एंड द लास्ट वन इज द जुडिशियल. तो हमारे डिस्कशन में हमने पढ़ा था सेंट्रल गवर्नमेंट में कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उसमें थ्री मेजर पार्ट्स होते हैं, द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी. इन द सेम मैनर इन द स्टेट गवर्नमेंट आल्सो वी आर हैविंग थ्री पार्ट्स. यानी हमने बिल्कुल उसको कॉपी किया जो सिस्टम हमने सेंटर में बनाया था, उसमें हमने लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी बनाई. वैसा ही सिस्टम हमने यहाँ बनाया. जुडिशरी में हमने हाईकोर्ट यहाँ पे बनाई है. एग्जीक्यूटिव जो है उसमें हमने जैसे वहाँ पे रखा था हमने प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर एंड इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वैसे ही हमने यहाँ पे रखा है गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. जैसे वहां हमने लेजिस्लेचर जो थी उसमें थ्री पार्ट्स डिस्कस किए थे, पार्लियामेंट के थ्री पार्ट डिस्कस किए थे, दैट आर प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा. वैसे ही हमने यहाँ भी कुछ वैसा ही स्ट्रक्चर बनाया है. अब इसमें टू टाइप्स ऑफ लेजिस्लेचर जो है वो इंडिया में स्टेट्स में प्रेजेंट है, जिसका मेंशन हमें आर्टिकल 168 में मिलता है. लेजिस्लेचर के बारे में जब डिस्कशन करते हैं देन इट इज मेंशनड इन आर्टिकल 168 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और इसमें क्लियरली कहा गया दैट एवरी स्टेट विल हैव अ लेजिस्लेचर कंसिस्टिंग गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट्स which are having bicameral legislature, and governor and legislative assembly in the states which are having unicameral legislature. Okay, yani hum ye keh sakte hain ki legislature jab state government mein discuss kiya jata hai to usme generally two types ki legislatures present hote hain. The first one is having two part, governor and the legislative assembly. जबकि जो बाईकैमरल लेजिस्लेचर होता है सेकंड टाइप का, उसमें इसमें थ्री पार्ट्स हो जाते हैं, यानी इसमें एक और पार्ट इंक्लूड हो जाता है, दैट इज लेजिस्लेटिव काउंसिल. इज दैट क्लियर? सो गाइस, स्टेट लेजिस्लेचर का डिस्कशन जो है वो हम यहाँ फर्स्ट पॉइंट के रूप में करने वाले. मीन्स एज द फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्टेट लेजिस्लेचर. तो गाइस, हमने पहले डिस्कस किया कि आर्टिकल 168 ये कहता है कि इंडिया में हर एक स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर होगा, जैसे कि सेंट्रल में पार्लियामेंट होती है. और इस लेजिस्लेचर में टू पार्ट्स यूनिकैमरल लेजिस्लेचर और थ्री पार्ट्स बाईकैमरल लेजिस्लेचर में होंगे. यानी इसमें जो स्टेट लेजिस्लेचर है इट विल कंसिस्ट गवर्नर एंड लेजिस्लेटिव असेंबली यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, और द स्टेट्स व्हिच आर हैविंग बाईकैमरल लेजिस्लेचर विल कंसिस्ट लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड गवर्नर. यानी गवर्नर और लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ में वहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी इंक्लूड होगी. एंड एट प्रेजेंट इन इंडिया वी आर हैविंग सिक्स स्टेट्स विच आर हैविंग बाईकैमरल लेजिस्लेचर्स. अब आपको ये समझना है कि यूनिकैमरल और बाईकैमरल लेजिस्लेचर क्या होता है.
ओके, यानी एक सदनात्मक और द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका क्या होती है, यूनिकैमरल एंड बाइकैमरल, यूनिकैमरल एंड बाइकैमरल। सो गाइस, द स्टेट व्हिच इज हैविंग जस्ट वन हाउस इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी द स्टेट लेजिस्लेचर व्हिच इज कंसिस्टिंग जस्ट वन हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली ओनली, लेजिस्लेटिव असेंबली जिस स्टेट लेजिस्लेचर में होती है उस टाइप ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर को हम यूनिकैमरल स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं, एक सदनात्मक व्यवस्थापिका। इन द सेम मैनर दिस टाइप ऑफ लेजिस्लेचर व्हिच इज कंसिस्टिंग लेजिस्लेटिव असेंबली अलोंग विद लेजिस्लेटिव काउंसिल, देन दिस टाइप ऑफ स्टेट और लेजिस्लेचर इज जनरली रेफर्ड एज बाइकैमरल लेजिस्लेचर, यानी जिस राज्य व्यवस्थापिका में स्टेट लेजिस्लेचर में लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी, विधानसभा के साथ में विधान परिषद भी प्रेजेंट होती है, दैट काइंड ऑफ लेजिस्लेचर इज जनरली रेफर्ड एज बाइकैमरल लेजिस्लेचर। इज दैट क्लियर? तो यूनिकैमरल एंड बाइकैमरल, एक सदनात्मक जिसमें सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, और बाइकैमरल एंड स्टेट लेजिस्लेचर का वो टाइप जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी प्रेजेंट होता है। Is that clear? Okay. So now, as the first, we are going to discuss about the formation of legislative assembly. यानी विधान सभा का गठन कैसे होता है? Which are the major articles related with the formation of legislative assembly? तो हमने पढ़ा कि legislative assembly और legislative council के साथ governor जो होते हैं वो मिलकर state legislature को बनाते हैं। यानी तीनों ही state legislature के part होते हैं। जहाँ बाइकैमरल लेजिस्लेचर होता है और जहाँ सिर्फ एक ही सदन होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, वहाँ गवर्नर और लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। और ये डिस्क्रिप्शन हमें दिया गया आर्टिकल 168। आफ्टर दैट द फर्स्ट पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है दैट इज नंबर ऑफ मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली। तो गाइस, आपको ये ध्यान में रखना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 170 हमें डिस्क्रिप्शन देता है अबाउट द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसमें सिर्फ इतना लिखा गया है दैट इन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 170 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द हाइएस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स शुड नॉट बी मोर देन 500, बट ऑन द अदर हैंड इट शुड नॉट बी लेस देन 60 इन any condition, but the legislatures of Sikkim, the legislature of Sikkim, Goa, Pondicherry are exception of it, okay, जैसे Sikkim में 32 members हैं, Goa में 40 हैं, Pondicherry में 30 हैं, okay, तो ये इसके exceptions भी हैं, okay, तो आर्टिकल 170 में नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में लिखा गया, जिसमें सिर्फ इतना लिखा गया है कि किसी भी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में हाईएस्ट यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो 500 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और किसी भी कंडीशन में ये 60 से कम नहीं होने चाहिए, मतलब मैक्सिमम 500 मिनिमम 60, ये कंडीशन फॉलो करने के लिए कहा गया है। लेकिन इसमें गोवा, सिक्किम और पांडिचेरी जो है वो एक्सेप्शन है, गोवा में 40 हैं, सिक्किम में 32 मेंबर्स हैं, ओके, पांडिचेरी में 30 मेंबर्स हैं, तो ये एक्सेप्शन भी आपको माइंड में रखना है, ये स्पेशली एक्सेप्शन बनाया गया है, ओके। अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि जो मेंबर का जो नंबर ऑफ मेंबर्स डिसाइड होंगे इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ओके, यानी जो लास्ट सेंसस हुआ है उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा। जैसे एट प्रेजेंट जो हमारा स्ट्रक्चर यानी मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो हमने एट प्रेजेंट डिसाइड कर रखे हैं वो 1971 के सेंसस के बेसिस पे हैं, ओके। तो आपको इसमें ये माइंड में रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि मैक्सिमम 500 मिनिमम 60 होने चाहिए, और इसमें हर एक मेंबर जो होता है वो कम से कम 75,000 लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। Is that clear? Means one member of legislative assembly will represent 75,000 people, or we can say that a population of 75,000
of a particular region. And for election of these members, the entire council of the entire state is divided into different constituencies, assembly constituencies, यानी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र. ठीक है, तो आपको ये माइंड रखना है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में नंबर ऑफ मेंबर्स 500 ज्यादा 60 कम से कम हो सकते हैं. और इन नंबर ऑफ मेंबर्स को डिसाइड करने का फॉर्मूला पॉपुलेशन है, जिसमें वन मेंबर जो है वो 75,000 लोगों को रिप्रेजेंट करेगा. इज दैट क्लियर? सो वन मेंबर विल रिप्रेजेंट 75,000 पर्सन्स. और इसमें इन मेंबर्स को अलेक्ट करने के लिए पूरी जो पूरा जो स्टेट होता है उसको अलग अलग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है. एक्जेक्टली, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ सॉरी फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. नाउ आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन दैट इज रिलेटेड विद इलेक्शन. ओके, नंबर ऑफ मेंबर्स के बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है इलेक्शन का, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर्स का इलेक्शन कैसे होगा. सो गाइस, लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर्स का इलेक्शन उसी मेथड से होता है जिस मेथड से लोकसभा में मेंबर्स का इलेक्शन होता है. मींस द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड थ्रू जनरल इलेक्शन बाय मींस ऑफ universal adult franchise by means of universal adult franchise in which the formula of simple majority is followed. Okay, the formula of simple majority. So as we discussed at the time of election of Rajya Sabha and President that they are elected with the method of single transferable proportional representation voting system, जिसमें minimum quota का formula follow किया जाता है. जबकि Lok Sabha और Legislative Assembly की जो elections होते हैं उनमें election जो होता है वो सामान्य, यानी जो सामान्य चुनाव होते हैं उनका method इसमें काम लिया जाता है, जिसमें simple majority का formula follow किया जाता है. और इसमें ये इलेक्शन जो होते हैं वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे होते हैं. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार. मींस ऑल द एडल्ट्स हु हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर हुज नेम इज एनरोल्ड इन द वोटर लिस्ट आर एलिजिबल टू कास्ट हिज और हर वोट. ओके, यानी कोई भी भारतीय नागरिक इंडियन सिटीजन जिसने 18 ईयर केस कंप्लीट कर ली है वो अपना वोट डाल सकता है इस इलेक्शन. ओके, और सिंपल मेजोरिटी का फॉर्मूला जो फॉलो किया जाता है, सिंपल सा पॉइंट ये है कि जो कैंडिडेट जो बाकी जितने कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे होते हैं उसमें जो कैंडिडेट बाकी जितने भी कैंडिडेट उनसे 1+ यदि स्कोर करता है या बाकी सारे कैंडिडेट से 1 वोट यदि ज़्यादा किसी कैंडिडेट को मिलता है देन ही विल बी द विनर. इज दैट क्लियर? ओके, सो इन दिस वे दिस इज द इलेक्शन प्रोसीजर रिलेटेड विद द इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. एंड लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्शन प्रोसीजर होता है जनरल इलेक्शन बाय मींस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज फॉलोइंग द फॉर्मूला ऑफ सिंपल मेजोरिटी. इज दैट क्लियर? ओके, नाउ आफ्टर डिस्कसिंग अबाउट द इलेक्शन प्रोसीजर एज द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिजर्वेशन. ओके, यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये फॉर्म ये स्ट्रक्चर देता है कि अलग अलग स्टेट्स में जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनमें जो स्कैड्यूल कास्ट है स्कैड्यूल ट्राइब्स हैं यानी जो बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले. और इसके लिए आउट ऑफ द टोटल सीट्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली सम सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द मेंबर्स रिलेटेड विद दी स्कैड्यूल कास्ट एंड स्कैड्यूल ट्राइब्स. ओके, यानी इसमें कुछ सीट्स जो होती हैं वो स्कैड्यूल कास्ट और स्कैड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व होती हैं. ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है रिजर्वेशन यानी आरक्षण. तो हमारे यहाँ जो लेटेस्ट रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग, जिसके अकॉर्डिंग जनवरी 2030 तक
स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब्स के लिए लेजिस्लेटिव असेंबलीज में और लोकसभा में सीट्स का जो रिजर्वेशन उसको बढ़ा देंगे। यानी सिंपल सा पॉइंट ये है कि अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सम सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द स्केड्यूल कास्ट एंड स्केड्यूल ट्राइब्स। यानी जो बैकवर्ड क्लासेस हैं जो जनरल इलेक्शन में यदि बाकी सबके साथ में एक जनरल वे में इलेक्शन लड़ती हैं तो उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिले, ऐसा एक खतरा हो सकता है, जिस वजह से उनके लिए कुछ सीट्स जो ऐसे एरियाज जहाँ पे स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब्स इन मेजोरिटी होती है उन एरियाज में सीट्स रिजर्व की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट राजस्थान, दैन इन राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर स्केड्यूल कास्ट एंड स्केड्यूल ट्राइब्स सीट्स आर रिजर्व। फॉर स्केड्यूल कास्ट 32 सीट्स आर रिजर्व एंड फॉर स्केड्यूल ट्राइब्स 25 सीट्स आर रिजर्व। ओके, और ये जो रिजर्वेशन होता है वो हर 10 ईयर्स के बाद में रिवाइव किया जाता है। यानी इसमें ये जो एक बार में एक्ट बना करके इस रिजर्वेशन को 10 ईयर्स तक इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसके बाद यदि गवर्नमेंट को फिर से फील होता है कि इसको आगे बढ़ाया जाए देन द गवर्नमेंट कैन एक्सटेंड इट। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द रिजर्वेशन मैथड। ओके, यानी सीट्स का रिजर्वेशन, यानी कुछ सीट्स जो होती हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में वो रिजर्व होती हैं स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब्स के लिए। अलॉन्ग विद दैट इफ द गवर्नर फील्स दैट द members of Anglo-Indian community are not getting proper representation in the legislative assembly, then is allowed to elect, nominate one member in legislative assembly from the Anglo-Indian community। यानी यदि Anglo-Indian community को proper representation नहीं मिले तो जैसे वहाँ पर लोकसभा में president के द्वारा किया जा रहा था, यहाँ पर वो काम governor के द्वारा किया जाता है। एग्जैक्टली, लेकिन एट प्रेजेंट इस प्रोविजन को न्यूलीफाइड कर देगा, यानी अब गवर्नर और प्रेसिडेंट ऐसा नहीं करते, यानी प्रेजेंट लोकसभा में ऐसा नहीं है जो लोकसभा 2019 में बनी थी, और ना ही ऐसा एट प्रेजेंट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में प्रेजेंट है। जैसे एट प्रेजेंट राजस्थान में कोई भी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेटेड मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं है। एग्जैक्टली, ओके। नाउ आफ्टर द रिजर्वेशन द नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड विद द क्वालिफिकेशंस। सो गाइस, Article 173 of the Indian Constitution tell us about the qualification required to be a member of Legislative Assembly. Okay, that is point hai qualification ka. So guys, isme ye kaha gaya hai Article 173 mein that no person can be a member of legislative assembly until if he is not a citizen of India. Okay, any pehli qualification hai that person should be a citizen of India, wo bharat ka nagrik hona chahiye. Along with that, the next one, he should be of 25 years of age, यानी उसकी एज कम से कम 25 years complete होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें थर्ड पॉइंट ये लिखा गया है कि वो जो अदर रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस होते हैं, मीन्स यू शुड पजेस द अदर रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन डिसाइडेड बाई द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। इज दैट क्लियर? तो ये टू मेजर क्वालिफिकेशन है, थ्री मेजर क्वालिफिकेशन लिखी गई हैं आर्टिकल 173 में। ओके, he should be a citizen of India, he should possess all he should be of 25 years of age and he should possess all the required qualifications decided by the parliament or state legislature. Okay, iske alawa is post ke liye kuch replacements hain, yani isme ye bhi kaha gaya hai ki yadi koi aadmi is condition mein hota hai to wo legislative assembly ka member nahi ban sakta, which is mentioned in article 191 of the Indian constitution. तो इसी क्वालिफिकेशन का एक पार्ट है जिसमें ये कहा गया है दैट इफ एनी पर्सन इज एंजॉइंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दैन ही इज नॉट एबल टू बी द मेंबर, मींस ही इज नॉट अलाउड टू बी द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी यदि कोई स्टेट या लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को एंजॉय करने वाला आदमी है तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर नहीं बन सकता, उसको मेंबर बनने के लिए अपने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को से रिजाइन करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? ओके, इसके अलावा इसमें ये भी कहा गया दैट
The person should not be a mentally retarded person. Yani, a mentally retarded person can't be the member of legislative assembly. A person declared bankrupt by the court is not able to be the member of legislative assembly. Is that clear? तो ये डिटेचमेंट्स के रूप में आर्टिकल 191 में मेंशन है, जो इसी क्वालिफिकेशन का एक पार्ट है. तो सिंपल वे में कह सकते हैं कि he should be a citizen of India, he should be of 25 years of age, he should not hold any office of profit under state and central government, he should not be mentally disturbed or mentally retarded, and he should not be a bankrupt. Is that clear? So all these kind of qualifications are decided by the Indian Constitution to be the member of legislative assembly. So in this way here, we started our discussion about the state government, about state legislature. The discussion related with the formation of legislative assembly we will complete in the next part. Till then, stay tuned with Vinayak Online Studies. So guys, see you soon in the next one. Till then, stay at your home. Be safe, and if there will be any doubt in your mind, you can write me in the comment section. I will definitely help you to resolve all your doubts. So, thank you very much. Have a nice day. Jai Hind.